चलो दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की पिशाच राजा। अच्छी कहानी है दोस्तों, ध्यान से सुनना। किसी समय की बात है, कंचनपुरम में एक राजा राज्य करता था। नाम था उसका कर्णप्रिय। वह बेद न्यायप्रिय व कर्तव्यपरायण राजा था। उसके शासन में प्रजा बेहद सुखी व संपन्न थी। राजा कर्णप्रिय अपने पारिवारिक जीवन से भी बेहद संतुष्ट था। उसकी पत्नी का नाम था रानी चंद्रिका। राजा कर्णप्रिय व रानी चंद्रिका को 5 संतानों का सुख प्राप्त था। पांचों राजकुमारों के नाम थे चंद्रप्रिय, शंखप्रिय, रक्तप्रिय, पुष्पप्रिय और वीरप्रिय। पांचों राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा महर्षि योगाचार्य के आश्रम में उन्हीं के द्वारा आज संपन्न हो रही थी। प्रणाम मुनिवर, आयुष्मान भव। हमारे लिए क्या आदेश है मुनिवर? वत्स, आज तुम्हारी शिक्षा दीक्षा पूर्ण हो गई है। अब तुम्हें वापिस महल लौटना है, जहाँ तुम्हें राज कार्य में अपने पिताश्री का हाथ बटाना है। जो आज्ञा मुनिवर। जाने से पूर्व क्या गुरु दक्षिणा नहीं दोगे वत्स? आप आदेश करें मुनिवर, हम अपने प्राण भी आपके चरणों में अर्पित कर देंगे। गुरु दक्षिणा में हमें पिशाचनाथ कंठदंत का सिर चाहिए। पिशाचनाथ कंठदंत? हाँ पिशाचनाथ कंठदंत। आज से 1000 वर्ष पहले की बात है, राक्षस जाति का एक राक्षस कंठदंत छद्म वेश धारण कर महर्षि कुलाचार्य के आश्रम में शिक्षा दीक्षा के बहाने पहुंच गया। महर्षि ने मुझे नहीं पहचाना, हा। उसका उद्देश्य अपने सहपाठियों को फुसला कर एकांत में ले जाना और फिर वहां उनका रक्त पीने का था। हा, मनुष्यों का रक्त पीने का, यह मेरे लिए सुनहरा अवसर है। आश्रम में पहुंचते ही वह अपना उद्देश्य पूर्ण करने में लग गया। और एक दिन, यह तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो नरसिंह? उस गुफा में पहुंचकर सब मालूम हो जाएगा कुमार नरेश। कंठदंत कुमार नरेश को लेकर गुफा में पहुंचा। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, हा। तभी एक भयानक कटास वहां गूंज उठा। उस अटास को सुनकर कुमार नरेश शीघ्रता के साथ पलट गया। पलटते ही उसके कंठ से भयानक चीख निकल गई। नहीं कह के कौन हो तुम? नरसिंह कहाँ है? मूर्ख लड़के, मैं नरसिंह नहीं कंठदंत हूँ। यह मेरा असली रूप है। नरसिंह का वेश तो मैंने इंसानी रक्त पीने के लिए धारा है, हा। अब तुम यहाँ से मेरी रक्त की प्यास बुझाए बिना नहीं जा सकते, हा। दुष्ट राक्षस, अच्छा हुआ तूने अपना रहस्य मुझ पर खोल दिया। अब मैं तुझे किसी निर्दोष इंसान का रक्त पीने के लिए जीवित नहीं छोड़ूंगा, हा। मैं न सिर्फ तेरा रक्त पीऊंगा बल्कि आश्रम के एक एक इंसान का लहू निचोड़ लूंगा, हा। कुमार नरेश अचानक तलवार निकालकर कंठदंत पर टूट पड़ा, हा। मरने के लिए तैयार हो जा रक्त पिपासु राक्षस। कुमार नरेश ने तलवार का भरपूर वार राक्षस कंठदंत की एक बाजू पर किया, खचाक। मगर कंठदंत की कटी हुई बाजू जमीन पर नहीं गिरी, हा। अचानक कंठदंत की वह बाजू बाज के समान झपट कर कुमार नरेश की गर्दन से चिपक गई। ओ नहीं, आ बचाओ! कंठदंत के दूसरे हाथ के नाखून एकाक बढ़ने लगे, हा। लंबे होते नाखून कुमार नरेश की छाती में धस गए, हा। कुमार दर्द से चीख पड़ा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले और इसी के साथ कुमार नरेश के प्राण बखेरे उड़ गए। और कंठदंत भयानक ढंग से जीभ लपलपाता हुआ कुमार की लाश से रक्त पीने लगा, चपर चपर श्राप। अब तक उसकी बाजू पूर्ण धड़ के साथ जुड़ चुकी थी। कुमार नरेश का रक्त पीने के बाद उसने कुछ और शिक्षकों को भी मार डाला और उनका भी रक्त पी गया, आहा श्राप! वाह कितना स्वादिष्ट होता है इंसानों का खून। उन्हीं दिनों मैं भी महर्षि कुलाचार्य से शिक्षा ग्रहण कर रहा था तो एकाएक ही शिक्षकों के गायब हो जाने से बेहद जो एकाएक ही शिक्षकों के गायब हो जाने से बेहद दुखी व परेशान थे। उप समझ में नहीं आता शिक्षक योगाचार्य कि यह सब हो क्या रहा है। मुनिवर, मुझे लगता है आसपास कोई भयानक जंगली जानवर आ बसा है जो हमारे साथियों को उठा ले जाता है। नहीं योगाचार्य नहीं, अगर यह कार्य किसी जंगली पशु का होता तो वह हमारे आश्रम पर भी हमला करता। मुझे यह कोई शैतानी कार्यवाही लगती है।
तब तो आपको अपनी योग शक्ति से उस दुष्ट का पता मालूम करना चाहिए। उसके लिए हमें एक यज्ञ करना होगा। अब यह कार्य आवश्यक है। उस दिन से महर्षि यज्ञ करने में लग गए। ओम ओम। अभी महर्षि यज्ञ में मगन ही थे कि नरसिंह मेरे पास पहुंचा और व्यग्र भाव से बोला, जल्दी चलो योगाचार्य, वहां जंगल में गुफा के अंदर एक शिक्षक की लाश पड़ी है। क्या? लेकिन महर्षि तो अभी यज्ञ में मगन है, उनके कार्य में व्यवधान बनना उचित नहीं है। उचित नहीं, मैं स्वयं ही इसके साथ चलता हूँ। नरसिंह मुझे लेकर गुफा में पहुंचा। उफ, कितनी बदबू है। अभी तू भी बदबू के ढेर में बदल जाएगा। हा हा। भीतर पहुंचते ही वहां का दृश्य देखकर मेरी सांसें तक रुक गई। हे भगवान, यहाँ तो चारों ओर मानो कंकाल पड़े हैं। तभी अटास सुनकर मैं उछल कर पलटा और विस्मय से खड़ा रह गया। क्या, कौन हो तुम? नरसिंह कहाँ है? नरसिंह का असली रूप यही है मूर्ख, मैं कंठदंत हूँ। अब मैं तेरे रक्त से अपनी प्यास बुझाऊंगा। हा हा। देखते देखते उसके नाखून मेरी ओर बढ़ने लगे। हा हा, हे भगवान रक्षा करो, मुझे अपना प्राण बचाने का कोई उपाय नजर नहीं आया। नाखून तीर के समान मेरे सीने में बेबस होने ही वाले थे कि ठीक उसी समय महर्षि कुलाचार्य मेरे सामने आ गए और मैं मुनिवर, यह दृश्य देख मैं कांप उठा। मुनिवर, यह आपने क्या किया? मुनिवर, मेरे प्राण बचाने के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। नहीं वत्स, बल्कि हमारा अंतिम समय आ गया है। मुझे वचन दो कि तुम इस पापी का नाश करोगे। हा हा, मैं आपको वचन देता हूँ मुनि। इसी के साथ कुलाचार्य की गर्दन एक और ढुलक गई। मैं चीख पड़ा, मुनिवर नहीं। तभी मानो बाहर कहीं बिजली सी कड़क उठी, कड़क कड़क, गुफा में मानो भूकंप सा आ गया। ओ, तभी एक स्वर वहां गूंज उठा, भागो शिक्षक, निकल जाओ इस गुफा से, अब यह स्थान सुरक्षित नहीं। मुनिवर की वाणी। मुनिवर का आदेश पाकर मैं चीखता हुआ शीघ्रता से गुफा के द्वार की ओर भागा। मैं मुनिवर की मृत्यु का प्रतिशोध लूंगा कंठदंत, शीघ्र ही। हा हा। और वश, इस प्रकार सैकड़ों वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन मैंने अभी तक मुनिवर को दिया वचन पूरा नहीं किया। इसका कारण मुनिवर, उसे समाप्त करने के लिए मैं जब भी कोई शक्ति यज्ञ आरंभ करता हूँ, वह उसमें व्यवधान उत्पन्न कर देता है। लेकिन अब मैं यह कार्य तुम्हें सौंप रहा हूँ। तुम्हें पिशाचनाथ कंठदंत को मृत्यु के घाट उतारना है। बोलो, यह कार्य करोगे? गुरु दक्षिणा के रूप में हम आपको कंठदत्त का सिर अवश्य भेंट करेंगे मुनिवर। लेकिन कहो वत्स, हम उसे ढूंढेंगे कहाँ? कंठदंत की शैतानी शक्तियाँ बड़ी कुशल हैं बेटे, वह जब तक सामने न हो उसे ढूंढना या पहचानना बड़ा कठिन है। लेकिन अगर वह सामने है तो उसे पहचानना बहुत सरल है। उसके दांतों की बनावट कोई भी रूप बदलते समय कांटों जैसी ही नुकीली होगी। ओ, अब तुम जा सकते हो। नगर की सीमा पर तुम्हारे स्वागत की तैयारियां पूर्ण हो चुकी होंगी। जो आज्ञा मुनिवर। पांचों राजकुमारों को पैदल ही नगर द्वार तक जाना था, अतः वे शीघ्राति शीघ्र वहां पहुंचने को आतुर थे। माँ और पिताजी हमारा बेचैनी से इंतजार कर रहे होंगे। ठीक उसी समय कंठदत्त विशैली निगाह से उनकी ओर देखता हुआ सोच रहा था। और फिर उस समय जब वे नगर द्वार से कुछ ही दूर रह गए थे कि अचानक एक पेड़ चरमराकर उन पर गिरने लगा। यह देखकर चंद्रप्रिय चिल्लाया, बचो भाइयों। ओ अरे चर। ठीक उसी समय कंठदंत विशैली निगाहों से उनकी ओर देखता हुआ सोच रहा था, हा हा, इससे पूर्व कि ये पांचों भाई महल पहुंचकर मेरी मौत का सामान तैयार करे, मैं सवे महल पहुंचकर, हा हा, धड़ाम, उफ, हे भगवान। तब तक चंद्रप्रिय एक साय को वहां से भागते हुए देख चुका था। उस साय को भागते देख राजकुमार उसके पीछे लपका, रुक जाओ, कौन हो तुम? अचानक ही वह साया वृक्षों के झुरमुट में जाकर गायब हो गया। कहाँ गया? कौन था वह? वह वापिस लौटा। कौन था वह भैया? हमें समाप्त
करने की साजिश शायद उसी ने रची थी। यह देखो, इस रस्सी की मदद से उसने यह पेड़ बांधा हुआ था। पेड़ की हद में आते ही उसने रस्सी छोड़कर पेड़ हम पर गिरा दिया। उसके बाद वे पुन नगर की ओर चल पड़े। लेकिन वह कौन हो सकता है? अभी कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन इस घटना का जिक्र अभी माँ और पिताजी से मत करना, वे परेशान होंगे। जी भैया। और फिर नगर द्वार पर उनका भव्य स्वागत किया गया। आह, हमारे पुत्र कितने सुंदर दिखते हैं महाराज। आज इतने वर्षों बाद इनका घर लौटना कितना सुखद प्रतीत हो रहा है। राजकुमारों की जय। निकट पहुंचते ही राजा कर्णप्रिय और रानी चंद्रिका ने उन्हें अपने गले से लगा लिया। राजकुमारों की जय। राजा कर्णप्रिय जिंदाबाद, रानी चंद्रिका जिंदाबाद। प्रजा के उद्घोषों से वातावरण गूंज उठा। और उस समय जब युवराज के रूप में चंद्रप्रिय का तिलक का आयोजन किया जा रहा था, आइए महाराज, युवराज के मस्तक पर तिलक लगाकर उन्हें आशीर्वाद दीजिए। हो, लेकिन तभी महाराज कर्णप्रिय चंद्रप्रिय के निकट पहुंच भी न पाए लेकिन अभी महाराज कर्णप्रिय चंद्रप्रिय के निकट पहुंच भी न पाए थे कि सर खट। ओ नहीं, अरे तीर, जिधर से तीर छोड़ा गया था उधर देखते हुए अचानक राजा कर्णप्रिय चीख पड़े, सेनापति काली सिंह, पकड़ो उसे, वह बचना नहीं चाहिए। सैनिकों में अफरा तफरी मच गई। पकड़ो उसे, वह भागने न पाए, महल को चारों ओर से घेर लो। जिस समय सैनिक मुख्य द्वार पार कर रहे थे, महल की ऊंची छत से वह साया नीचे छलांग लगा चुका था। वह रहा, पकड़ो इन थप। सैनिक उसके पीछे लपके, उफ वह भाग रहा है, घुड़सवार सैनिकों को बुलाओ। जब तक घुड़सवार सैनिक वहां पहुंचते, साया वहां से गायब हो चुका था। अब हम महाराज को क्या जवाब देंगे? कम खतो, एक व्यक्ति हमारी आंखों में धूल झोंक कर फरार हो गया। उधर सभी राजकुमारों को सुरक्षित महल पहुंचा दिया गया। राजा कर्णप्रिय इस घटना से क्रोधित हो कह उठे, महामंत्री सूर्यराज, हम हर सूरत में उस व्यक्ति को हिरासत में देखना चाहते हैं जिसने कुमार पर प्राण घातक आक्रमण किया। सेनापति उसके पीछे गए हैं महाराज, मुझे उम्मीद है कि। क्षमा कीजिए महाराज, वह रहस्यमय इंसान हमारे हाथ नहीं आ सका। क्या? फिर उस दिन के बाद उस रहस्यमय इंसान की भूत तलाश की गई, किंतु वह कहीं दिखाई न पड़ा। उधर पांचों राजकुमार इस घटना से विचलित हो उठे थे। भैया, यह दूसरा आक्रमण है, कोई हमारे प्राणों के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। क्या अब हमें पिताजी को राह वाली घटना के विषय में नहीं बता देना चाहिए? अभी वह समय नहीं आया शंखप्रिय। भैया, कहीं यह सब कंठदत्त तो नहीं कर रहा? मुझे भी ऐसा ही लगता है, हमें शीघ्र ही उसकी तलाश आरंभ कर देनी चाहिए। भैया, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे और क्या न करे। कल प्रातः ही हम यह निर्णय लेंगे कि उस रहस्यमय इंसान और कंठदंत की तलाश कैसे और कहाँ की जाए। हाँ, अब हमें सावधान अवश्य रहना चाहिए। उसके बाद पांचों अपने कक्ष में चले गए। आधी रात के पश्चात अचानक सबसे छोटे राजकुमार वीर प्रिय की नींद टूट गई। खट खट, इस समय कौन हो सकता है? कौन है बाहर? हम तुम्हारे पिताश्री हो, लेकिन इतनी रात गए। द्वार खोलते राजा कर्णप्रिय ने भीतर आकर दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। पिताश्री, आप इतनी रात गए, सब कुशल से तो है न? अभी तक सब कुशल है राजकुमार, हमें प्यास लगी थी इसलिए हम तुम्हारे पास चले आए। मैं अभी आपके लिए शीतल जल लाता हूँ। नहीं राजकुमार, यह प्यास किसी जल से नहीं मिटेगी। राजा कर्ण सिंह का स्वर परिवर्तन महसूस करते ही राजकुमार वीरप्रिय उछल कर पलट गया और उसके नेत्र हैरत से फैलते चले गए। कौन हो तुम? नहीं, तुम पिशाचनाथ कंठदंत हो, तुम्हारे दांत तुम कंठदंत ही हो। हा हा, ठीक पहचाना तुमने मुझे, महर्षि योगाचार्य ने तुम्हें मुझे मौत के घाट उतारने का कार्य सौंपा है, लेकिन मौत तुम्हारी मेरे हाथों होगी। नहीं कंठदंत, मैं दिवास्त्र से तुम्हारी बोटी बोटी कर दूंगा। परंतु इससे पूर्व कि वह दिवास्त्र तक पहुंच भी पाता, कंठदंत के नाखून उसके गर्दन में धस गए। आ हा हा, आ हा हा,
राजकुमार के तड़प कर जमीन पर गिरते ही कंठदत्त उसका रक्त पीने लगा, सर्राफ छपर छपर। अगले दिन वीर प्रिया की मृत्यु का पता चलते ही महल में कोहराम मच गया। छोटे कुमार वीर प्रिय का खून हो गया। क्या छोटे कुमार का खून? छोटे कुमार का खून हो गया। खबर सुनते ही महामंत्री सूर्यराज सकते में आ गए। महामंत्री जी, छोटे कुमार वीर प्रिय का खून हो गया, मैं अपनी आंखों से उनकी लाश। हे भगवान, यह क्या हो गया? आग की तरह यह समाचार पूरे महल में फैल गया। रानी चंद्रिका मानो पागल सी हो उठी जब स्वयं महामंत्री ने उन्हें यह दुखद समाचार दिया। नहीं नहीं नहीं, कह दो यह समाचार झूठा है। नहीं, मेरा वीर प्रिय मैं छोड़कर नहीं जा सकता, कभी नहीं। सारो भाई हतप्रभ उठे। नहीं, यह नहीं हो सकता वीर प्रिय, इस प्रकार नहीं जा सकता। उफ, आखिर वह हत्यारा अपने मकसद में कामयाब हो ही गया। मैं उस हत्यारों को पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। फिर सभी घटनास्थल पर एकत्रित हो गए। हाँ मेरे बच्चे, यह क्या हो गया? मैं हत्यारे को जीवित नहीं छोड़ूंगा। यह माला अवश्य हत्यारे की होगी। सेनापति उसके निकट पहुंचकर सरगोशी कर उठा। यह गले का हार? तो यह हार किसके गले का है सेनापति? वह किंतु सेनापति से पूर्व महाराज उस हार को पहचान कर कह उठे, यह हार तो महामंत्री सूर्यराज का है। क्या? ठीक उसी क्षण महामंत्री ने घबराए हुए वहां प्रवेश किया। रक्त प्रिय तुरंत उसके निकट पहुंचकर कठोर स्वर में बोला, महामंत्री जी, आपका यह हार इस कक्ष में कैसे पहुंच गया? मैं मेरा हार? ओ हाँ, यह तो मेरा हार है जो कल शाम चोरी हो गया था। ओ, दुर्घटना के अगले दिन। आओ सेनापति काली सिंह, मुझे आपसे एक आवश्यक बात करनी है। युवराज, अवश्य कहिए। कल राजकुमार वीरप्रिय के कक्ष से महामंत्री के हार मिलने को मैं एक छोटी घटना नहीं मानता। हो सकता है अपने पुत्र की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए महामंत्री ने ही कुमार को मार डाला हो। पुत्र की मृत्यु का प्रतिशोध? जी हाँ युवराज, आज से 2 माह पूर्व महामंत्री का पुत्र संकट सिंह दुश्मनों को भेद देता हुआ रंगे हाथों पकड़ा गया था। राजद्रोह के आरोप में महाराज ने उसे मृत्यु दंड दिया। हमारा फैसला अटल है, देशद्रोही की केवल मौत ही सजा है। लेकिन महाराज, हम आपके पुत्र को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते। इस प्रकार संकट सिंह को फांसी पर लटका दिया गया। आपने यह समाचार हमें देकर बहुत अच्छा किया सेनापति, अब हम महामंत्री को बचने का अवसर नहीं देंगे। सेनापति चला गया। महामंत्री पर नजर रखनी होगी। उसी रात पुष्प प्रिय के कक्ष के बाहर, दरवाजा खोलो बेटे, तुमसे एक आवश्यक कार्य है। पिताजी, आप इस समय? कैसा कार्य है? भीतर चलो, बताते हैं। द्वार बंद करने के पश्चात, मुझे प्यास लगी थी बेटे, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। ओ, मैं अभी आपके लिए जल लेकर आता हूँ। यह प्यास जल से नहीं बुझेगी बेटे, मुझे तुम्हारा रक्त चाहिए। कंठदंत के नुकीले नाखून उसकी गर्दन में धस गए। आ, चपर चपर रा। अगले दिन प्रातः जब उस प्रिय की लाश मिली, उफ, हे भगवान, यह सब क्या हो रहा है? राजा के रूप में इतना अभिनय तो मुझे करना ही होगा। ही ही, नहीं। सेनापति ने वह समाचार चंद्र प्रिय को दिया। आप यकीन माने न माने युवराज, लेकिन मेरा विश्वास है कि यह खून भी महामंत्री ने किया है, अभी मालूम हुआ जाता है। राजकुमार चंद्र प्रिय के आदेश पर गुप्तचर खूबचंद को बुलाया गया। खूबचंद, हमने तुम्हें महामंत्री की निगरानी का कार्य सौंपा था। मैं निगरानी का कार्य कर रहा था कुमार, शाम से ही मैं उनके घर पर निगाह रखे हुए था। महामंत्री जी अभी घर में है और प्रवेश द्वार केवल यही है, किंतु आधी रात के समय अचानक मैं चौंक पड़ा। अरे महामंत्री जी इस समय कहाँ जा सकते हैं? महल से भी कोई बुलावा नहीं आया। रहस्यमय अंदाज में द्वार पर सांकल लगाकर वे एक और को चल पड़े। मुझे इनका पीछा कर जानना चाहिए कि यह कहाँ जा रहे हैं, किंतु शायद महामंत्री को अपना पीछा किए जाने का पता चल गया था। फिर वे एक पुराने खंडर में जा घुसे।
मैं उनका पीछा करता हुआ खंडर में जा पहुंचा, लेकिन अरे कहाँ चले गए महामंत्री जी, अभी तो यहीं थे। मैंने खंडर का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन महामंत्री जी मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़े। वो शायद महामंत्री जी मेरी आंखों को धोखा देकर निकल गए हैं। इतना सुनते सेनापति काली सिंह क्रोधित स्वर में चिल्लाया, देखा युवराज, मैं न कहता था कि यह करतूत महामंत्री की है। महामंत्री को कहीं से भी ढूंढ कर हमारे सामने पेश करो गुप्तचर। जो आज्ञा युवराज। लेकिन बहुत खोज करने के पश्चात भी महामंत्री सूर्यराज कहीं नहीं मिले। अनंत गुप्तचर को कहना पड़ा, क्षमा कीजिए युवराज, महामंत्री जी का कहीं कुछ पता नहीं चला। क्या, हम कुछ सुनना नहीं चाहते, नगर का चप्पा चप्पा छान मारो, मगर महामंत्री को पेश करो। गुप्तचर के जाने के पश्चात, देखा युवराज, अब तो मेरा संदेह महामंत्री पर गहरा होता जा रहा है। उस रात संपूर्ण राजमहल पर कड़ा पहरा बिठा दिया गया, विशेष रूप से सभी राजकुमारों के कक्ष पर। मगर आधी रात के वक्त जब राजा कर्ण प्रिय रक्त प्रिय के कक्ष के बाहर पहुंचे, अरे महाराज आप? हाँ, हम यह कहने आए हैं कि तारा पकड़ा गया है, अब पहरे की कोई आवश्यकता नहीं, तुम दोनों जाओ। हम अपने पुत्र को यह बात सवय बताना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज। खटखट, पहरेदार चले गए। उधर राजकुमार चंद्र प्रिय की आंखों से नींद कोसों दूर थी। न जाने इस महल पर कैसी मुसीबत टूट पड़ी है, न जाने आज रात क्या होने वाला है। मुझे चलकर अपने दोनों भाइयों को सुरक्षा व्यवस्था पर एक नज़र पुनः डालनी चाहिए। ठीक इसी पल संपूर्ण महल एक तेज चीख से गूंज उठा। आ, राजकुमार रक्त प्रिय की चीख का स्वर। चंद्र प्रिय के शरीर में मानव विद्युत भर गई। तूफान की तरह वह रक्त प्रिय के कक्ष की ओर भागा। रक्त प्रिय के प्राण संकट में हैं, और तभी वह किसी से टकरा गया। ओ आ, महामंत्री सूर्यराज को पहचानते ही राजकुमार चंद्र प्रिय का जिस्म उत्तेजना से कांपने लगा। उसने झपट कर महामंत्री को पकड़ लिया, फिर चिल्लाया, तुम महामंत्री सूर्यराज, मुझे तुम्हारी तलाश थी। मैं मगर कुमार, मेरी बात तो। अचानक चंद्रप्रिय महामंत्री के कपड़ों पर रक्त देखकर उछल पड़ता हुआ बोला, यह रक्त, वो समझा कमीने इंसान, प्रतिशोध में अंधा होकर तूने रक्त प्रिय का भी शायद खून कर दिया है। क्या कुमार, वो तुम, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, आज रंगे हाथों पकड़ा गया है तू, धड़ाकूफ। कहने के साथ चंद्र प्रिय ने गुस्सा महामंत्री के चेहरे पर जड़ दिया। चंद्र प्रिय पागलों के समान उसे मारता चला गया। ओफ, मेरी बात। तभी राजा कर्ण प्रिय, रानी चंद्रिका सिद्ध, सेनापति काली सिंह तथा शंख प्रिय भी वहां आ पहुंचे। यह सब क्या हो रहा है, ओ तू महामंत्री, तुम्हारी तो हमें तलाश थी। यह हत्यारा है पिताजी, इसने रक्त प्रिय का भी खून, नहीं यह झूठ है, यह सच है। कुमार के कक्ष से हमें उसकी लाश ही मिलेगी, मैं जानता हूँ। कुमार का कक्ष खोलकर देखना होगा। भीतर का दृश्य देखते सब सन्नाटे में आ गए। रक्त प्रिय मेरे लाल, यह हत्यारा है पिताजी, इसे तुरंत फांसी पर लटका दीजिए। होश से काम लो कुमार, हमारे पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि यह खून महामंत्री ने किया है। प्रमाण है सेनापति जी, वह माला जो वीर प्रिय के कक्ष से मिली, और इससे पूछे कि उस रात यह कहाँ गया था जिस रात पुष्प प्रिय का खून हुआ। बताइए महामंत्री, कुमार चंद्र प्रिय के प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैं वो, क्षमा कीजिए महाराज, मैं इस प्रश्न का उत्तर इस समय नहीं दे सकता। ओ, यह जानते हुए भी कि आपको कातिल समझा जा रहा है। जी महाराज। यह सुनते राजा कर्ण प्रिय ने आदेश दिया, महामंत्री को हिरासत में ले लिया जाए। ओ, सैनिक महामंत्री को ले गए। अपने पुत्र की मृत्यु का बदला लेने के लिए यह शंख प्रिय व चंद्र प्रिय को मारने की चेष्टा करता महाराज, शुक्र है कि यह समय रहते पकड़ा गया। वो हमें नहीं मालूम था कि महामंत्री अपने पुत्र की मृत्यु का बदला इस प्रकार हमारे पुत्रों की निर्मम हत्या करके लेगा। कातिल के रूप में महामंत्री के पकड़े जाते ही पहरे में ढील दे दी गई। उसी रात संगप्रिय के कक्ष के बाहर, मुझे मौत की नींद सुलाने का संकल्प करके आए थे योगाचार्य से, हा हा, अब केवल दो बचे हैं जिनमें से शंख प्रिय का रक्त मैं आज पीऊंगा, हा हा,
अचानक शंख प्रिय की नींद टूट गई। खटखट, कौन है बाहर? हम है तुम्हारे पिता, द्वार खोलो बेटे। ओ, द्वार खोलते ही, हमें प्यास लगी है बेटे, क्या प्यास नहीं बुझाओगे? अवश्य। पिताजी को जल के लिए यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी? जल तो, यह सोचकर वह पलटा ही था कि एक पंजा उसके चेहरे पर आ चिपका। ओफ हा हा, पिशाच कंठदंत ने अपने नुकीले दांत कुमार के गर्दन में गड़ा दिए। हा हा, मेरी प्यास तेरे खून से बुझेगी मूर्ख। हा गू, और वह रक्त पीने लगा। रक्त पीने के बाद कुमार शंखप्रिय की लाश को उसने फर्श पर पटक दिया। भयानक ढंग से ओठों पर जीवा फेर कर कह उठा, हा हा, कुमार चंद्रप्रिय और फिर रानी चंद्रिका के बाद मैं एक एक करके महल के और फिर नगर के सभी लोगों का खून पी जाऊंगा, हा हा। अगले दिन चंद्रप्रिय के चेहरे पर भूचाल कैसे लक्षण थे। नहीं नहीं नहीं, अगर महामंत्री कातिल है तो फिर कल रात शंखप्रिय का कत्ल क्यों हुआ? महामंत्री को हम अपनी आंखों से कैद खाने में देख कर आए हैं, वह कत्ल नहीं कर सकते। मैं अभी गुप्तचरों को इस रहस्य की छानबीन करने का आदेश देता हूँ। सेनापति चला गया। उसी रात, दरवाजा खोलो चंद्र बेटे, यह हम है तुम्हारे पिता। पिताजी, इस वक्त मुझे प्यास लगी है बेटे, क्या तुम मेरी प्यास? प्यास? यह पिताजी को क्या हो गया? लेकिन पिताजी, जल तो आपके कक्ष में ही मिल जाता। जल तो मिल जाता परंतु रक्त नहीं मिलता, जिसकी मुझे प्यास है। हा हा, सावधान चंद्र प्रिय, यह तुम्हारे पिता नहीं बल्कि पिशाचनाथ कंठदंत है, तुम्हारे भाइयों का हत्यारा। पिशाचनाथ कंठदंत? तभी द्वार पर महर्षि योगाचार्य दिखाई पड़े। मुनिवर, आप समय नष्ट मत कर मूर्ख, यह ले, यह ब्रह्मास्त्र है जिसे दिन रात की तपस्या के पश्चात हासिल किया है मैंने, खत्म कर दो इस पिशाच को। चंद्रप्रिय ने फुर्ती के साथ ब्रह्मास्त्र पकड़ लिया। ओह, अब मैं इस पिशाच को जीवित नहीं छोड़ूंगा। तभी कंठदंत ने अपना एक खूनी पंजा बढ़ाकर महर्षि योगाचार्य की गर्दन जकड़ ली। आ, जल्दी करो शिक्षक। कंठदंत का दूसरा हाथ चंद्रप्रिय की गर्दन की तरफ लपका, लेकिन चंद्रप्रिय को स्पर्श करते भीषण ज्वाला प्रकट हुई। भक, जल्दी करो बेटे। आ, चंद्रप्रिय ने देर न की और जय गुरुदेव, बिजलियां चमक उठी। सर, धरती बुरी तरह से डगमगा उठी। सर, एक तेज चीख गूंज उठी। खच, ओ, ब्रह्मास्त्र पिशाचनाथ कंठदत्त के सीने में प्रवेश हो गया था। पकड़ ढीली होते योगाचार्य पिशाचनाथ से दूर हट गए। आ, पिशाचनाथ कंठदत्त एक दर्दनाक चीख मार कर फर्श पर गिरा और शांत पड़ गया। वह मर चुका है, लेकिन अभी तुम उसके निकट मत जाना, उसके पाप उसके शरीर से कोड के रूप में फूटेंगे। पिशाचनाथ कंठदंत की नाड़ियां फट गई और रक्त उसके शरीर से फूट निकला। देखते देखते पिशाचनाथ कंठदंत का शरीर बर्फ के समान पिघल गया। तब, आज मुझे तुम्हारी गुरु दक्षिणा भी मिल गई और मेरा गुरुदेव को दिया वचन भी पूरा हो गया, किंतु मुनिवर, आप यहाँ एकाक कैसे पहुंचे? तुम्हारे आश्रम छोड़ते ही कंठदंत तुम्हारे पीछे लग गया और फिर तुमसे पहले ही महल में पहुंच गया, और उस समय जबकि महाराज कर्णप्रिय तुम्हारे स्वागत के लिए सीमा द्वार पर रथ द्वारा आ रहे थे। सारथी, रथ को और तेज चलाओ। आज कितने वर्षों पश्चात हमारे पुत्र वापस लौट रहे हैं। जो हुक्म महाराज। कहने के साथ ही सारथी के रूप में बैठे कंठदंत ने घोड़ों पर चाबुक बरसा दी। सड़ाक सड़ाक, अरे सारथी संभल कर, क्या कर रहे हो? ओ सड़ाक, सैनिक पीछे छूट गए। एक जगह पहुंचकर कंठदंत ने रथ रोक दिया। रथ क्यों रोक दिया सारथी? यह तुम हमें कहाँ ले आए हो? आहा, एकाएक कंठदंत पलट गया। उसके भयानक सूरत देखते राजा कर्णप्रिय उछल पड़े। क्या, कौन हो तुम? पिशाचनाथ कंठदंत। आहा, बहुत प्यास लगी है मुझे, तुम्हारा रक्त पीना है मुझे। आहा, फिर इससे पूर्व की राजा अपनी तलवार निकाल पाते। आ, कंठदंत राजा का रक्त पीने लगा चपर चपर, और फिर पिशाचनाथ राजा के रूप में तुम्हारे चारों भाइयों का खून पी गया। इसी बीच मुझे शक्ति यज्ञ करने का अवसर मिल गया।
जिससे कि मैंने ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया। फिर छिपकर यहाँ महल में पहुंचा तो अचानक मैंने पिशाच राजा को तुम्हारे कक्ष में जाते हुए देखा। वो लेकिन अगर यह सारी हत्या पिशाचनाथ ने की है तो फिर महामंत्री उस रात खंडर में क्या कर रहे थे? कुछ गड़बड़ है मुनिवर। दोनों उसी क्षण कैद खाने में पहुंचे। असली हत्यारा मारा जा चुका है महामंत्री जी, हम आपसे क्षमा मांगने आए हैं कि हमने आपको गलत समझा। जो हो गया उसे भूल जाओ बेटे, और जो अब महल में होने वाला है उसे रोको। मैं कुछ समझा नहीं महामंत्री। सेनापति काली सिंह महल में तख्ता पलटने का षड्यंत्र रच रहा है क्या? तुम जानना चाहते थे ना कि मैं पुष्प्रिया की हत्या वाली रात खंडर में क्या करने गया था? तो सुनो, मुझे सेनापति काली सिंह के षड्यंत्र का पता चल चुका था। हाँ हाँ, अब हमें उन राजकुमारों का खून बहाने की आवश्यकता नहीं रही। दिलावर सिंह, तुमने दो बार राजकुमारों पर आक्रमण किया लेकिन वे हर बार बच गए। लेकिन इस बार वे शायद इस अज्ञात हत्यारे के हाथों नहीं बचेंगे, और मैंने ऐसा इंजाम भी कर दिया है कि महामंत्री भी हमारे रास्ते से हट जाएगा। अब मेरे लिए क्या आदेश है सेनापति उर्फ कंचनपुरम के भावी राजा? तुम फिलहाल खंडर के इसी तहखाने में रहो। यहाँ तहखाने का किसी को पता नहीं है। अगर किसी कारणवश वह हत्यारा पांचों राजकुमारों की हत्या करने में सफल नहीं होता तो फिर तुम्हें वह कार्य करना होगा। फिर राजा कर्णप्रिय के मरते ही हम राजा घोषित कर दिए जाएंगे, समझे? ओ, तो यह चक्कर चला जा रहा था सेनापति काली सिंह, तब तुम महामंत्री सूर्यराज? इसका मतलब राजकुमारों पर पेड़ व तीर का आक्रमण तुमने करवाया, और राजकुमार वीर प्रिय के कक्ष में माला चुराकर भी तुमने ही डाली थी ताकि सभी मुझ पर शक करे। हा हा, अब तुम सब कुछ जान ही गए हो तो यहाँ से जीवित बचकर नहीं जा सकोगे। खना को दिलावर और सेनापति मुझ पर टूट पड़े। मार डालो दिलावर इसे। ओ खत, उस वार से मैं तुरंत बेहोश हो गया। अब यह जगह सुरक्षित नहीं दिलावर, चलो यहाँ से निकल चलो। वे मुझे मरा समझकर छोड़ आए थे, परंतु मैं न जाने कितने समय बेहोश रहने के पश्चात होश में आया। इस भयानक षड्यंत्र की सूचना महाराज को देनी होगी। मैं रात के समय छिपता हुआ महल पहुंचा तो अचानक महाराज को रक्त प्रिय के कक्ष में जाते देखा। वो मुझे महाराज का यहीं रुककर इंतजार करना होगा। तभी कक्ष में से एक चीख उभरी। ठीक उसी पल मैंने एक भयानक आकृति को कक्ष से निकलकर भागते हुए देखा। मैं सब कुछ आपको बताने के उद्देश्य से आपके कक्ष की ओर भागा, तभी आप मुझसे टकरा गए, और सेनापति के वहां उपस्थित होने के कारण मैं आपसे कुछ भी ना कह सका, क्योंकि उस समय कोई भी मेरी बात का यकीन नहीं करता। और इस प्रकार पिशाच राजा की मृत्यु के साथ ही महल में पनप रहा षड्यंत्र विफल हो गया। सेनापति और दिलावर को गिरफ्तार कर लिया गया, और फिर धीरे धीरे शासन कार्य सामान्य होता चला गया। समाप्त। दोस्तों अच्छी थी, जरूर लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कैसी लगी।